हाय माय टैरो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं आज आपके लिए क्या गाइडेंस है। फ्रेंड्स, तो मुझे अंदर से ये मैसेज मिला है कि मुझे आपके लिए आपके एंसेस्टर्स, आपके जो पूर्वजन हैं, वो लोग जो आपके जीवन से पार हो चुके हैं, यू नो दे हैव पास्ड ऑन, जो चढ़ाव कर गए हैं, उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज दिया जाए। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। फ्रेंड्स, द फर्स्ट कार्ड इज द स्नेक कार्ड। तो फ्रेंड्स, स्नेक क्या करता है, वो अपने एवरी सीजन वो स्किन शेड करता है। तो यहाँ डिवाइन कह रहे हैं कि आपको जो आपके पुराने पैटर्न्स हैं, पुरानी चीज़ें जो आपको होल्ड बैक कर रही हैं, ऑल्सो इट कुड बी कि जो आप दूसरों पे इतना ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, इन सब चीज़ों को आपको अब छोड़ना है, बिकॉज ये जो है आपको होल्ड बैक कर रही हैं चीज़ें, और ये आपको बार बार सेम प्रॉब्लम्स में लेके आ रही हैं। और डिवाइन कह रहे हैं कि आपको जब तक कि आप वो चीज़ें चेंज नहीं करेंगे, अपना वो डिवाइन लेसन नहीं लर्न करेंगे, तो वो चीज़ें रिपीट होती रहेंगी, आपको जो है डिसीट, धोखा मिलता रहेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको अपने ये जो ट्रांसफॉर्मेशन अपने लाइफ में लाना है। फ्रेंड्स, सेम मैसेज मुझे जो सिंगल रीडिंग कार्ड होता है उसमें भी आया था, वो था डिस्ट्रक्शन का, ट्रांसफॉर्मेशन का। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। सो जो जो लोग अभी फील कर रहे हैं कि वो हेल्ड बैक हैं उनकी कोई पुरानी हैबिट्स के कारण, तो आपको अब वो टाइम आ गया है कि एफर्ट्स डालने हैं वो चेंजेस लाने में। फ्रेंड्स, द नेक्स्ट कार्ड इज फायर गार्डियन। तो यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि जो आपका पैशन है, आपकी जो चीज़ें हैं जो आपको खुशी देती है, या जिसमें आपने अपना बहुत टैलेंट है, जिसमें आपने अपना बहुत टाइम डाला है, बहुत एफर्ट डाला है, आपको बहुत नॉलेज आई है, यू नो, जिसके कारण आप आगे पहुँचे हैं, तो आपको उसको प्रोटेक्ट करना है। अगर आपको किसी कंपटीशन के कारण, किसी प्रेशर के कारण आपको उस चीज़ को होल्ड बैक करना पड़ रहा है, तो डिवाइन कह रहे हैं कि आपको वो नहीं होने देना, आपको अपने लिए खड़े होना है, आपको अपनी वो स्ट्रेंथ, वो टैलेंट, वो जो आपकी स्किल है वो आपने दिखानी है और उसको आगे लेके जाना है। आपको अपने वो पैशन को इग्नाइट करना है, वो अपने दुनिया को दिखाना है, तो आपको होल्ड बैक नहीं होने देना। अगर आपको लग रहा है कि अभी मैं रहने देती हूँ, या किसी कारण से यू नो आप बार बार कोई कोई अड़चने आ रही हैं जिसके कारण अपना आप वो जो पैशन है उस स्किल को आगे नहीं लेके जा पा रहे हैं, तो डिवाइन कह रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं होने देना है। आप एफर्ट करिए, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पूर्वजन हैं, वो आपके साथ हैं, वो आपको हेल्प करेंगे उसको आगे ले जाने में। फ्रेंड्स, द लास्ट कार्ड इज द एरो कार्ड। एरो, एज यू नो, जब हम मारते हैं उसको, तो दैट इज फॉर आर प्रोटेक्शन, टू प्रोटेक्ट, आई वी यूज इट अगेंस्ट आर एनिमीज, राइट, टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। अब तो नहीं, बट इन द एंसेस्ट्रल ऑफ द ओल्ड टाइम्स, तो वही डिवाइन कह रहे हैं कि आपने अपने आप को प्रोटेक्टिव एनर्जी से सराउंड करना है। तो अगर आप स्पिरिचुअल लेवल पे देखें तो देर आर लॉट्स ऑफ वेज यू कैन डू दैट। यू कैन यूज क्रिस्टल्स, यू कैन प्रे, यू कैन इमेजिन, यू नो, प्रोटेक्टिव डिवाइन लाइट। आप जिस भी परमात्मा में बिलीव करते हैं, जस्ट रिक्वेस्ट देम, यू नो, टू सराउंड यू विद देयर लव, विद देयर प्रोटेक्टिव शील्ड, एंड वट एवर मंत्र जाप यू डू, तो वो सब चीज़ें आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। डिवाइन आपको कह रहे हैं आप इस चीज़ को आप यूज़ करिए, इस चीज़ को अगर आप नहीं कर रहे हैं तो अब आपको और भी ज़्यादा ज़रूरत है। फ्रेंड्स, स्पेसिफिकली ये उस चीज़ में है जैसे कि रिलेशनशिप्स में, कि आपको कोई बार बार हर्ट कर रहा है, राइट, दे टेक यू फॉर ग्रांटेड, तो अब आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, बिकॉज दिस इज़ ये आपकी एनर्जी को बहुत ड्रेन करता है, और आप बड़े आगे और अपने लाइफ में नहीं बढ़ पाते हैं, उस रिलेशन में स्टक रहते हैं। तो डिवाइनिया कह रहे हैं टेक स्टैंड, जैसे यहाँ पे भी आया है, राइट, एम्परर कार्ड, तो टेक दैट स्टैंड, बिल्ड दैट प्रोटेक्टिव शील्ड। अगर कोई रिलेशन आपको हर्ट कर रहा है, तो नाउ दैट इट्स अ टाइम टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड मूव अवे फ्रॉम दैट रिलेशन। तो फ्रेंड्स, डिवाइन ने काफ़ी कॉन्क्रीट मैसेजेस दी हैं कि फर्स्टली इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन, द ओवरऑल स्टोरी इज़ दैट यू नो यू नीड टू ब्रिंग अबाउट दैट बिग चेंज। आपने जो अगर आप में अभी तक वो हिम्मत नहीं आ रही है, तो वो आपको करना पड़ेगा। यू नीड टू ब्रिंग अबाउट दैट पैशन, आपके अंदर वो है, आपके अंदर वो ताकत है, बस आपको उसको ट्रस्ट करना है।
आपने वो चेंज लाना है, अपनी स्किल्स को शोकेस करना है और अपनी इमोशनली और फिजिकली अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। ओ फ्रेंड्स, दिस रीडिंग हेल्प्स, डू लेट मी नो हाउ यू फाउंड द रीडिंग। बाय बाय एंड हैव अ वंडरफुल डे।